नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारी सुनो। चलिए देखते हैं आज की अहम और खास खबर। नांदेड़ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में नांदेड़ प्रशासन से निर्दोष सिखों को बिना शर्त रिहा करने की मांग की संत बाबा बलवेंद्र सिंह लंगर साहेब वालों ने। देखिए आगे की रिपोर्ट। हमारे में कोई हिमायत नहीं करेगा, सिर्फ एक ही आपसे आगे विनती है। अभी जो क्या थोड़ा जना मीडिया का समय है, हम बीबियों को बेनती करी थी, हम बच्चों को मिल के आए थे। आप बच्चा हमारी बेनती मानी सभी बीबियों ने, नहीं तो 500-600 बीबी वहाँ सचखंड में जमा हुई थी। और कलेक्टर साहब ने भी SP साहब ने हमारे को ये रिक्वेस्ट करी थी, बाबा जी ये रोज मार्च नहीं निकालना। और सभी बीबियों ने हमारी बेनती मानी और हम 9:30 बजे वजीराबाद में बच्चों को मिलते गए थे सभी को, परमजीत सिंह को, सतपाल सिंह के लड़के को और फोटोग्राफर जो भी आ सभी को मिल के गए थे। और जो उनका कहना था, हम उनको 20 मिनट खड़े रह के पूछा था कि आपको पुलिस ने कोई लाठीचार्ज किया कि क्या है, उनका अपनी जबान से कहना था। हमारे पर किसी ने चाट नहीं मारा और किसी ने मारपीट नहीं करी। और हम सिर्फ आपसे एक ही बेनती करेंगे, एक बार बीबियों को थोड़ा उनकी मुलाकात करा दें, वो अपने जबान से बीबियों को, माताओं को, बहनों को, सभी को बता देंगे भी ऐसा हमारे को जो भी मार पड़ी या नहीं पड़ी। हमारे सामने तो उनका यही बोलना था, बाकी यही बेनती है जो दोषी है उनको आप जो भी सजा देंगे हम कोई हिमायत नहीं करेंगे। फिर बाकी जो निर्दोष है और किसी को यही बेनती करते हैं, किसी को पकड़ना नहीं, निर्दोष है। आज बहुत तो एक दूसरे की दुश्मनी से, लानतबाजी से कोई किसी का नाम बोल देता, कोई किसी का नाम बोल देता, ये सबसे बड़ी कमी है। और हमारे में भी कमी, हमें बोले हम सच्चे हैं, ये पता नहीं कमी किस में आ जाती है। परमेश्वर ही पूरे हैं, गुरु महाराज का हुक्म है बोलना अंदर सबको और पहल गुरु करता, परमेश्वर ही आज नहीं बोलते अपन सभी जीव को लेना है। और सबके आगे बेनती है, ये बहुत गुरु महाराज की कृपा है, पावन नगरी है, गुरु महाराज ने यहाँ चरण डाले, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सतगुणा को गुरता गद्दी प्रदान की है। और दुनिया के कोने कोने से यात्रु और देशों प्रदेशों से ऑल वर्ल्ड से यात्रु रहते हैं। और आपसे ये विनती है, ये थोड़ा जना मैसेज बहुत गलत गया है और इसका यात्रुओं के ऊपर बहुत ही असर पड़ा है। और सबके आगे ये विनती है, और जो भी कलेक्टर साहब, SP साहब ने जो भी वहाँ निर्णय लिया था, तो बाकी जितने देखो ना दसरे का मल्ला निकला, कोई किसी ने का रुकावट नहीं डाली। और कितनी चौकियाँ सभी गुरुद्वारे में पहले कैंसिल हो गई थी, हम वही प्रधान को लेके, सेक्रेटरी को लेके, SP साहब के पास गए, पूरा परमिशन दे दिया। और जितने भी मल्ले निकले कोई रुकावट नहीं आई। ये सिर्फ ना ये बार पहली बार हुआ, थोड़ा तलवारबाजी होने से, गाड़ियां तोड़ने से थोड़ा ना, ये पहली बार। अभी भी SP साहब बोल रहे थे थोड़ा हमारे को पीछे काट जाते, मजा निकला। ये हम आपका धन्यवाद करते हैं, पूरा मल्हे के अंदर आपने किसी को लाठी की आर्ज नहीं किया और किसी को पकड़ा भी, ये आपका धन्यवाद है। सिर्फ यही बेनती है आपके आगे, सिर्फ जो दोषी है वो कितने फरार हो गया, कितने हो गया, उनको आप पकड़ के सजा दें, बाकी निर्दोष किसी को पकड़ के नहीं सजा दें। और घर से जो शस्त्र उठा के लेके आने वो बेनती हो उनका आप जी ने माफ कर देना है। और बच्चों को एक बार ये बेनती प्रमाण करें, उनका बीबियों का दिल हौला हो जाएगा और जो उनके मन में, तो उनकी थोड़ी मुलाकात करा दें तो अच्छा ही। ये सबके आगे बेनती है, आप सब ने आगे से पूरा सबको पूरा मौके को संभालना है। और गुरु का घर और नेचर का घर है, ये किसी का घर नहीं है, ना गुरु का घर तो कोई मालिक बन सका है, ना गुरु का घर का मालिक बनेगा। ये सबके आगे बेनती है और गुरु महाराज कृपा करें, ऐसे चौकी धरा कराते रहें। देखो कितने प्रधान आए, कितने चेयरमैन आए, संत महात्मा आए, जितना जितना समय गुरु महाराज ने दिया
उतना अपन लगा के गुरु घर का को मालिक बन सका। बाकी अपना फर्ज अदा करना चाहिए जो भी मौके का प्रबंधक रहता है। ये सब के आगे बेनती है और पांच प्यारों को पापा इनको बहुत ज्यादा हम देखते हैं ना, बहुत बच्चे उल्टा सुलटा बोलते हैं, उसके लिए ना हम आप सब श्रद्धालु से बेनती करेंगे सारे ने अपना बच्चे में ये समझा के रखना। और इतनी की बेनती है कि ज्यादा समय नहीं लेना, आप सभी का कीमती समय है और ये मौका संभालना है। अभी गुरु महाराज कृपा करे शांति पूर्वक है, बिल्कुल शांति है। और बात जो भी हजूर साहब का संदेश गाए, गुरु महाराज की कृपा संत बढ़ करके दर्शनों के लिए आए, देखो सच्चा वचन है महाराज का हुक्म है, विच संगत हर प्रभु वसे जी। जो भी गुरु का दर पातशाह जी का दारिया, जो भी कार्य गुरु महाराज की कृपा नाल ते गुरु के संग दे संयोग नाल, तन करके मन करके ते तन करके। बाकी के सतगुरु ने जिथे किथे रोटी रोजी लिखी देनी है, ये सारे अति सत्कार जो संत बाबा कलवंत सिंह जी, अति सत्कार जो पंज प्यारे साहिबान सारे वालों दासा वालों सारी गुरु की संगत का तह दिलों धन्यवाद है। और बीबिया के मन च गुरु महाराज सच्चे महले निकले आ, बड़ी गुरु महाराज की कृपा पर अपार कृपा रही है। हम वही आई जी साहब एस पी साहब एडिशनल साहब को वहां बेनती करी थी, उसमें जो भी दोषी है करने वाले उनको बेशक आप कोई भी सजा दो, हमारे में कोई हमायत नहीं करेगा। सिर्फ एक ही आपसे आगे विनती है, अभी जो क्या थोड़ा जना मीडिया का समय है, हम बीबियों को उसने ही बेनती करी थी, हम बच्चों को मिल के आए थे, आप बच्चा हमारी बेनती मांगी सभी बीबियों ने, देखिए 500-600 बीबी वहाँ सचखंड में जमा हुई थी। और कलेक्टर साहब ने भी एसपी साहब ने हमारे को ये रिक्वेस्ट करी थी बाबा ये रोज मार्च नहीं निकालना, और सभी बीबियों ने हमारी बेनती मांगी और हम 9:30 बजे वजीराबाद में बच्चों को मिलते गए थे सभी को, परमजीत सिंह को, सतपाल सिंह के लड़के को और फोटोग्राफर जो भी है सभी को मिलते गए थे। और जो उनका कहना था, हम उनको 20 मिनट खड़े रह के पूछा था कि आपको पुलिस ने कोई लाठीचार्ज किया कि क्या है, उनका अपनी जबान से कहना था हमारे तो किसी ने चांट नहीं मारी और किसी ने मारपीट नहीं करी। लोग है उनको 307 लगनी चाहिए, लेकिन जैसे आप कमेटी की बात करते हैं, कमेटी का ठीक है वो सर दोषी है, लेकिन 307 और 307 के दोषी नहीं है वो लोग, तो उनपे वो कलम बायफर्केशन होना चाहिए। हमारा इशू क्या है, 307 मैं आपको ये समझा रहा हूँ ऐसे कलेक्टर कि सिर्फ FIR का गुनहगार नहीं होता, वो डिसाइड करेगा, वो सर सबको नहीं पता है, मैं बोल रहा हूँ बैंक को नहीं पता होता कि वो 307 के साथ में पुलिस में ए फाइनल बी फाइनल सी फाइनल में होता है। फोटोग्राफर की बात करें सर, अपने कुछ मेंबरों की बात करें सर, अब ये क्या होगा मैं बोलता हूँ दीदी, आपको अभी FIR हुआ लेके